आप ना मेरे लिए यहाँ पे सीरीज लगा देना। अच्छे केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के, 10 मौतें आ चुकी हैं। गाइस आप एक चीज बताओ, आलू मटर है तो रोटियां कौन खाते? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू कोहली व्लॉग्स। संजम हेलो बोलो। हेलो। लॉकडाउन खत्म हो गया आज? हाँ। हेलो जी। सो फ्रेंड्स, आज रोटी बना रही है माता जी। हाय मम्मी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बनाया आज? आलू मटर बने ने। क्या बात है, रायता दे नाल फुलके गरम गरम। सिंह साहब रोटी एंजॉय कर चुके हैं। सिंह साहब को रोटी बहुत पसंद आलू मटर के साथ। सबसे बेकार रोटी थी, सब्जी बहुत अच्छी बनी है, सब्जी दादी ने नहीं, बहुत अच्छी बनी है। अच्छा। पर मजा बिल्कुल नहीं आया। पूछो क्यों? क्योंकि गाइस आप एक चीज बताओ, आलू मटर है तो रोटियां कौन खाते हैं भाई? चावल बनना चाहिए उसके साथ। दोनों दोनों सकते हैं भाई, ऑप्शन होती है। नहीं लगते चावल ही अच्छे लगते हैं। कोई नहीं, तू चावल खा ले ही। क्यों हो गया गाइस? पता नहीं मेरे पापा कौन से प्लेनेट से आए, उनको रोटी अच्छी लगती है। बेटा हम तो अर्थ से ही है, तू पता नहीं कहां से आ गया। रोटी पसंद, जिस जिसको रोटी पसंद है ना, मैं पक्का कह रहा हूँ प्लूटो से आए, प्लूटो से। कोई नहीं कोई नहीं। और कहाँ चलना है आज? ये रोटी गाइस अभी भी मेरी पड़ी है, मेरा मन नहीं कर रहा खाने का। और कहाँ चलना है आज? खानी पड़ेगी ना, अन्न को वेस्ट नहीं करना होता। कहाँ चलना है फिर आज गाइस? मैं तो सोच रहा हूँ अलमारी लेने चलते हैं, और थोड़ी गेस्ट के लिए चप्पल। इट्स नॉट अलमारी, इट्स अलमीरा। अलमीरा अलमीरा अल चप्पल भी चाहिए, मेरी चप्पल दादी पहनती है। थोड़े गेस्ट के लिए? हाँ, जो मतलब तीन चार चप्पलें तो ली आएंगे ना गेस्टों के लिए। गेस्टों के लिए, क्योंकि मेरी चप्पल मम्मी पहन लेती है हर बारी, और जो नीतू की चप्पल है वो आंटी पहन लेती है, तो हम दोनों नंगे पैर घूमते रहते हैं ऐसे ही। ऐसे मैं सैंडल पहन लेता हूँ, पसंद नहीं है सैंडल। तो अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट थोड़ा सा, है ना। पहले करते हैं बच्चों को ड्रॉप, चलें। यस। स्टे फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं कि जो दो दिन लॉकडाउन हुआ था वो बहुत ही पैथेटिक है। रीजन बिंग, दो दिन लगातार बारिश आती रही है, पूरे दिन बारिश, परसों भी कल भी पूरा बारिश आई है, पूरा भरा हुआ था। आज जाके धूप आई और आज निकलना है शॉप पर, दिखाते हैं आपको बाहर का व्यू कैसा है। ये देखिए आज पूरी धूप निकली हुई है, लेकिन पार्क पूरे भीगे हुए हैं, सड़कें भीगी हुई हैं पूरी सी। ये मौसम मस्त हो रखा है। फ्रेंड्स हम शॉप पे पहुंच गए हैं, नीतू जी लगी हुई हैं फोन पर, क्लाइंट्स भी हैं इक्का दुक्का, बिकॉज कोरोना की वजह से लोग आने। ये देखो हमारे फूड ब्लॉगर साहब नील्स करवा रहे हैं। हेलो नेहा मैम, आपका चैनल का नाम क्या है? कुक विद नेहा अरोड़ा। कुक विद नेहा अरोड़ा। गाइस मैं इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज ये हमारे क्लाइंट है, बट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने टेस्ट भी किया है, मैंने देखा है इनका बहुत अच्छा, मतलब रेसिपी बनाने का तरीका बहुत बहुत बढ़िया है। गाइस डू सब्सक्राइब दैट चैनल। अब दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ का इंटरनेशनल फ़ोन। ये देखो, इस बेचारे को 10 मौतें आ चुकी हैं। कसम से कह रहा हूँ, ये लड़की, इसको कितनी बार आ चुकी है? सर दही हो है चौथी बारी इसको, जा रहे को कहते हैं कोमा से उठा के ले गई इसको। मैम देखो, देखा आपने कभी ऐसे इंटरनेशनल फोन? ये फोर्थ टाइम का है इस लड़की ने, इतना पैसा खर्च दिया इस। अच्छा इस फोन की खासियत है, ये है किसी के पास ये फोन? देखा गाइस, इस फोन से मैंने इतना खेला है ना, इतना खेला है, मतलब अर्थ हो गई। मैं तो लड़की नहीं है। इस फोन को मैं क्या नाम दूं? बता। अच्छा इसके पैसे कौन देता है ठीक कराने के? बस क्या बस? तेरे बोल बोल रहा हूँ, नहीं तेरी बोल पर नहीं खुल रही यहाँ पर। अरे इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दो बार मैसेज ले चुकी है, उठा रही है, पूछ इसको। अच्छा एक बार संजम के नाम पर लिया तूने है, और एक बारी तूने कहा था कि सर उधार चाहिए वो 2-3 हज़ार रुपए दो। फोन खराब होगा तो लेना से पड़ेगा ना कराने के। वापस लेती पता कब है ये? 6-6 महीने बाद। सब दे दिया, अब तो कंप्लीट होगा, पूरे जीरो हो गया हिसाब से, तब जीरो हो गया। आज सैलरी दे था। अच्छा हाँ हाँ भाई, मेरी कमीशन सर। क्यों क्या कर रही है तू? ये एंट्री कर रही हूँ। क्या एंट्री कर रही है? ऑनलाइन कोर्सेज, कोर्स के
अच्छा मतलब हम लोग ऑफलाइन कोर्स क्योंकि कोरोना की वजह से चल नहीं रहा है तो अब हम ऑनलाइन कोर्स की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना। सो गाइस किसी ने नेल कोर्स करना हो तो वो हमारे इस ब्रोशर को पूरा कर सकता है कंसीडर। वेरी गुड वेरी गुड। सबसे नीचे लड़की यही है हमारे पूरे ग्रुप में, वो हंस पड़ी। ओ भी हंसती भी है भाई ये। वाओ अगर तूने मेरे पैसे लगवाए ना इस बार सर एक फिंगर लेके खाली में देखो मेरे टूटी पड़ी है लगाई एक टिप्पी बाकी गए ये ना बाकी सारे जिंदाबाद है फ्री के क्लाइंट्स थैंक यू। ये किसका है ये किसका है डायलॉग तो तूने इतना बढ़िया मार ओ किसका ये फालतू खर्चा इतना फालतू खर्चा क्यों डालो मारी डालो मारी हो जिंदगी तो कमाई लेंगे मरेंगे तो नहीं ना ओ भाई साहब देख रही प्रीति सीख ले कुछ इससे बस कल से क्लास लेना स्टार्ट कर दो अभी से है किसी का ऐसा फोन है किसी का ऐसा मेरे पास ये तो मैं वाला इंटरनेशनल फोन है यार तो मुझे लग रही थी भूख मैंने मंगाए है अचारी चाप ये आती है वाजीवा से स्विगी के थ्रू मतलब रिमार्केबल चाप होती है वाजीवा की अचारी चाप ट्राई करो यार मजा आ जाएगा। नीतू जी आ रही है सामने से वो खिलाते हैं उनसे पूछते हैं कैसा लगा। नीतू जी आ गई हैं मुंह मारने के लिए कैसे लगी मतलब मुझे बुखार हो रहा है ये बंदा मुझे बाहर का खा रहा है खिला रहा है मैंने इतना सारा काम किया इन सैटरडे संडे में इनके घर का टच भी नहीं करना उसको छोड़ो ना ना बुखार है बुखार बुखार के पानी में के लिए वो कि मेरे को बुखार हो गया इतना काम कराते हैं मुझसे इतना झूठ बोल लगी खुदा के खौफ से डर ले कल सारा दिन नहीं उठी मैं बेड से राजमा चावल मेरी माँ ने बनाए रोटियां मेरी माँ ने बनाई तूने क्या बनाया कल कुछ भी नहीं तबियत खराब थी तो कैसे बनाती ओ झूठी परसों इतना काम करा लिया था आपने झूठी लायर। सड़कों पे ट्रैफिक नॉर्मल है यार जिस हिसाब से ट्रैफिक कम होना चाहिए केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के यहाँ पे नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है लोगों को परवाह ही नहीं है अपनी लाइफ की है मतलब क्या है गाइस हम दादी घर आए हुए हैं बच्चों को पिक करने के लिए नीतू अभी ऑन द वे है वो आ रही है शॉप से तो मैं जस्ट अभी आ गया था बिकॉज कुछ घर की ग्रॉसरी लेनी थी तो आज है मंडे मार्केट यू वॉन्ट बिलीव मार्केट लगी है थोड़ी लगी है बट लगी है जो कि नहीं लगनी चाहिए थी इतने खतरनाक सिनेरियो में तो इसलिए मैं खुद आया हूँ आज ग्रॉसरी लेने देखो आज बच्चे का घर चॉकलेट खा रहे हो मिल्क चॉकलेट खा रहे हो क्या देख रहे हो क्या अच्छा आई एन पी यू तू भी देखता है बच्चों वाले शो बच्चों वाले नहीं है ये फिर कोई भी देख सकता है अच्छा और दादी जी यहाँ बना रही है रोटी हाँ जी क्या बना रही हो छोले की दाल दा पुलाव छोले की दाल का पुलाव नाल रायता नाल रायता चलो बढ़िया भी खाना चाहिए कभी कभी चेंज आना चाहिए थोड़े ये एक बेसन आने वाली है बहुत धमाकेदार एक ना एक लेडी ने ना कुकर उठा के बाहर फेंक दिए हाँ कहते क्यों पड़ोसी कहते क्यों कहते मेरे का दो तीन है कुकर तो सीटी मारता है क्या बात है ये क्या होता है जेली खा रहे हो अभी जेली का डब्बा लेके आया जेली फिनिश करी आपने भाई गाइस अभी अभी घर में आए हैं मम्मी ने आते ही सबसे पहले पता क्या बोला है जा बाहर से कपड़े उतार के ला हर गेट बार बार खुल जा रहा है गाइस ये पापा ने एक बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा बेकार चीज कराई है कि यहाँ पे पीछे कुंडे ने दिया है यहाँ पे देखो बाहर कुंडे नहीं होते सदा देखो वहाँ पे कुंडे नहीं है गेट में बाहर कुंडे नहीं होती है पर तब भी पापा होनी चाहिए ना मैं कैसे करूँ बाहर का व्यू देखो मस्त हवा चल रही है इस वक्त वो देखो वो हमारे पाजी बैठे हैं वैभव साहब जिंदाबाद यो ये क्या होता है भाई ये क्या बोल रही है तो मैं हूँ ये क्या बोल रही है कह रही है आई एम पबजी प्रो गाइस मतलब पबजी प्रो गेम के बारे में
खेलने की प्रोफेशनल आई है भाई। ओह माय गॉड, खेलती है गाइस। नहीं गाइस, इसको आती भी नहीं है, इसको तो मतलब फोन पकड़ना नहीं आता, कहाँ खेलेगी। तो फिर बोल कैसे रही, तूने सिखाया इसको? नहीं मैंने नहीं सिखाया, YouTube बादशाह। क्या YouTube बादशाह क्या? अरे मैं गाइस वही बैठा है बेटा सिखाने वाला। नहीं मैं फोन पर ना गाना सुन रहा था, ठीक है। मेरा फेवरेट यूट्यूबर वो क्या करता है, इंग्लिश गानों को ना उसकी मतलब वो है इंडियन ही है पर वो यूएसए में रहता है, तो वो उन गानों के लिरिक्स बदल के पर सेम ट्यून में और मतलब वही राइट टाइम में अपने वर्ड्स बताए थे। तो बस वो मैं गाना सुन रहा था तो मैंने एक बार चलाया, दो बार चलाया, बस आप में से प्लीज कमेंट करके बताना कौन कौन फ्री फायर खेलता है और कौन कौन पबजी खेलता है। लड़ाई वही जाए, जो PUBG खेलते हो वो लाइक करे, जो फ्री फायर खेलते हो कमेंट करे। ये क्या बात हुई, चलो बांध करो करो। थैंक यू सो मच बेबी। संजय में हेल्प करा रही है मम्मी की, बाहर से सूखे हुए कपड़े उतारने में हेल्प करा रही है। कपड़े सूख भी रहे हैं? अरे अब हीटर में सुखाऊंगी, ऐसे तो सूख नहीं रहे चार चार दिन। ये क्या तरीका है भाई, मतलब जो कपड़े सूखे होते हैं उसको मैडम जी यहाँ पे हीटर में लगाती है। हाँ तो हीटर तो चलना ही है, तो मैंने कपड़े भी सूख जाएंगे साथ साथ, जल्दी सूख जाते सही में और स्मेल भी नहीं आती। अच्छा हाँ, और दूसरी बात आपने मेरे लिए यहाँ पे सीरीज लगा देना, जो अभी आपने सुबह लगाई थी ना, कोई क्या नाम था उसका, टब्बर टब्बर सीरीज वो लगा देना। अच्छी लगी? हाँ स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी है। क्यों जाने मार, ये देखो हेल्प देखो हेल्प, ये देखो हेल्प देखो हेल्प। ओह माय गॉड, ये कैसी हेल्प थी, ये कैसी हेल्प थी संजय मैम की। अच्छा अनिरुद्ध जी, तो फिर कहने में ब्लॉग को सब्सक्राइब बोल दो जी एक बारी, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो, मेरे घर के बहुत सारे काम है, प्लीज इतना तो सपोर्ट कर दो, मेरा पति बहुत कम कराता है। ये देखो बताइए चलो चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट कमेंट सबसे अच्छी तो सबको समझ में लगती होगी। हाँ जी, तब तक के लिए